हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपकी है एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसका हम प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो हर टाइप को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए वीडियो को लास्ट तक, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे तरह के एमसीक्यूज मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि एक्चुअली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है क्या, उसके बाद हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए रेस टू पावर एम, ए रेस टू पावर एन मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास कुछ नंबर है ए, जैसे कि यानी कि आपके पास 2 रेस टू पावर m है, 2 रेस टू पावर n है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे अगर ये मल्टीप्लाई में है। मीन्स अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी ए रेस टू पावर m प्लस एन, यानी कि इनके जो पावर्स हैं उनको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। किस कंडीशन में ऐड होगी ये ध्यान रखना है कि बेस आपका सेम होना चाहिए, ये सेम नंबर होना चाहिए, उस कंडीशन में आप पावर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। 5 रेस टू पावर 2 है लेट्स सपोज आपके पास, और 5 रेस टू पावर 3 है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 5 रेस टू पावर 2 प्लस 3, दैट मीन्स कि 5 रेस टू पावर 5, इस तरह से आपका आंसर आ सकता है। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक ये लॉ आपके पास आता है कि अगर आपके पास बेस सेम होता है तो पावर्स आपकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, बेस सेम क्या करोगे, पावर को ऐड कर दोगे। ओके, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट को किस तरह की प्रॉपर्टी होती है इसको आप अंडरलाइन करके रख लीजिए, ये चीज़ है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास ए रेस टू पावर एम है और उसकी पावर एन है, यहाँ पे भी बेस यही है, इसकी पावर एम है और उसकी भी पावर एन है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी इससे क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर एम एन मीन्स ये जो इसकी पावर है और उसकी भी जो पावर है, ये जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में ऐड नहीं होंगी, ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, पावर्स की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पावर और उसकी भी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये रफली मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप इसको लर्न करने के लिए आपको ना एक जनरल सा फंडा मिल जाता है कि मैंने इसको पढ़ लेना, मुझे याद हो जाना है। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ नंबर है 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे फिर से पावर दे दी 2। अब यानी कि ये तो मेरा ए की जगह पे क्या है, 2 है, एम की जगह पे क्या है, 3 है, मतलब 3 है, उसके भी आगे पावर 2 आ गई, तो ये 3 और 2 जो दोनों हैं ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 × 2, तो आप इसको क्या लिख दोगे, 2 की पावर 6। क्लियर होगी आपको इतनी चीज़ कि अगर आपके पास बेस सेम होता है तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस ये है और उसकी पावर है, उसकी भी आगे पावर आ गई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। अगर लेट्स सपोज कि बेस आपके पास वही है, ए रेस टू पावर एम है, डिवाइड में आ गया ए रेस टू पावर एन, यानी कि इनका बेस सेम है, ए ही है, पर अब ये मल्टीप्लाई में नहीं गया, ये कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। पहले हमारे पास ए रेस टू पावर एन था, ये चीज़ें मल्टीप्लाई में थी, मल्टीप्लाई में थी तो हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। अब अगर वो नीचे चली गई है, अगर वो डिवाइड हो रही है, तो आपका आंसर किस तरह आएगा, ए रेस टू पावर एम माइनस एन। जो चीज़ प्लस हो रही थी मल्टीप्लाई के केस में, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड में है, और डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, पावर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो नीचे वाली पावर होगी वो आप ऊपर वाली पावर में से उसको माइनस कर दोगे। क्लियर हो गई इतनी चीज़, इसको भी हम अपने अंडरलाइन करके अपने पास रख लेते हैं, ये चीज़ होती है। क्लियर, इसको हम किस तरह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास 2 रेस टू पावर 4 है, डिवाइड बाय 2 रेस टू पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेस टू पावर 4 माइनस 3। नीचे वाली पावर को आप क्या करोगे, नीचे वाली पावर को इसमें से माइनस कर दोगे, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेस टू पावर 1, यानी कि 2 आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब इस तरह से देखिए, अगर आपके पास ये चीज़ें सेम नहीं हैं, ए रेस टू पावर एम है, बी रेस टू पावर एम है, अब इसमें क्या है, बेस सेम नहीं है, ये दोनों बेस अलग अलग हैं, ये ए है ये बी है, पर पावर सेम है,
पावर्स क्या हैं, सेम हैं, बेस अलग अलग हैं। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए बी रेज टू पावर एम प्लस एम, ऐसे नहीं लिखोगे। पावर सेम है तो एक ही जगह पे पावर आएगी और जो बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर एम बन जाएगा, बिकॉज ये पावर्स जो हैं वो सेम हैं। अब उस केस में मल्टीप्लाई के केस में क्या बन जाएगा, ए बी रेज टू पावर एम। क्लियर। इसी तरह से ये डिवाइड के केस में है, लेट्स सपोज ए ओवर ए की पावर एम है और नीचे बी की पावर एम है, तो ये क्या बन जाएगा, ए ओवर बी की पावर एम। डिवाइड के केस में भी ऐसे रहेगा, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई के केस में है, अगर आपके पास इस तरह डिवाइड के केस में आ जाए ए रेज टू पावर एम ओवर बी रेज टू पावर एम, तो ये क्या बन जाएगा, ए ओवर बी की पावर एम। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। ये इस तरह से होता है अगर डिवाइड के केस में आता है, मल्टीप्लाई के केस में आता है, मीन्स अगर पावर्स सेम हो गई, अगर आपके पास पावर सेम हो गई तो आप कैसे लिखोगे, ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर। हम क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 21 है, इसको हम डिस्कस करते हैं, मेरे पास बुक पड़ी है। तो ये देखिए, टू रेज टू पावर 2/3 और एक है 2^1/3, ठीक है। अब ये वही चीज़ हो गई, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है, ये दोनों बेस क्या हो गए, सेम हो गए और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम हमने क्या किया था कि अगर बेस सेम हो जाएं और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, 2^2/3 + 1/3, तो दैट मीन्स कि 2^ ये 3 आपका एलसीएम में रहेगा, 2+1/3 यानी कि 2^3/3 मीन्स आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया इतनी चीज़, ये आपकी हो गई फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, 3^1/5 इसकी होल पावर 4। अब हमने ये प्रॉपर्टी क्या की थी, a^m उसकी भी पावर n, तो हम इसको क्या लिखते थे, a की पावर m एन, यानी कि पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर क्या बन जाएगी, 1/5 × 4, तो आपकी 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4/5। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, 7^1/5 डिवाइड में क्या है, 7^1/3। अब हमने यही डिस्कस किया था प्रॉपर्टी में कि a की पावर m है, डिवाइड में a की पावर n है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, m माइनस n यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 7 है, ये a का रोल प्ले कर रहा है, तो 1/5 है m और 1/3 है n, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 7^1/5 − 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 7^15, 3 − 5 एलसीएम ले लोगे आप, 7^-2/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पे, 13^1/5 और 17^ इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करके दे दिए हैं, जिस तरह की हमने प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया है। अब ये देखिए, अब इस प्रॉपर्टी को हमने देखा था कि अगर पावर्स सेम हो जाए, यानी कि ए की पावर भी एम हो जाए, बी की पावर भी एम हो जाए और मल्टीप्लाई में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, ए बी की पावर एम हो जाती है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे और उसकी पावर 1/5 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 13 × 17^1/5। क्लियर हो रहा है, 13 × 17^1/5 और 13 × 17 आप करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 221 और इसकी पावर 1/5। क्लियर। अब 13 को 17 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको मैं एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक सिखा रही हूँ सबके, सारा वर्क करने के साथ साथ मैंने सोचा साथ में आपको एक ट्रिक भी सिखा देते हैं। देखिए, 13 और 17 को आपने मल्टीप्लाई करना है, टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक बताती हूँ। क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, 10 में से इसका डिफरेंस देखो, ये 3 है, इसमें 7 ऐड करोगे, 10 में 7 ऐड करोगे तो 17 आएगा, 10 में 3 ऐड करोगे तो ये आएगा। अब आप चाहे आप 13+7 कर लो तब भी एक चीज़ आएगी, 17+3 करोगे तब भी एक ही चीज़ आएगी, एक नंबर आया आपके पास 20,
ठीक है। 13 में आपने 7 को ऐड कर दिया तब भी 20 आएगा। एक चीज़ कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप इधर देख लो चाहे आप इधर देख लो, आपके पास 20 आया, कोई भी नंबर आप करके देख लेना इस ट्रिक से। अब आप 10 में से चेक कर रहे हो तो उसकी 0 एक यहाँ पे लगा दो, बस और कुछ नहीं। 10 में से चेक कर रहे हो तो उसकी एक 0 यहाँ पे लगा दी। अब आप क्या करोगे, जो नंबर्स ये हैं ना आपके पास, इनको आप मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। ये आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन। आपको कुछ भी इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। 13 को 17 के साथ करोगे, फिर इसको चेक करोगे, फिर यहाँ पे चेक करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। सिंपली इस वे से आप टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपकी बहुत जगह पे ये हेल्पफुल हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। चलिए ये तो होगी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहती है साथ साथ अगर आप वीडियोज़ को पूरी देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। अब हम करते हैं हमारे MCQs, किस टाइप के MCQs पूछे जा सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट MCQ क्या है, 8³ × 2⁴, ठीक है। क्या गिवन है, 8³ × 2⁴, और ऑप्शंस गिवन है। हमने देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या आंसर आता है, वो अलग बात है, ठीक है। सबसे पहले 8³ है। अब 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को देखिए, 8 के अगर मैं फैक्टर करूँ 2 then 2 then 2 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2, दैट मीन्स कि 2 का मैं क्यूब लिख सकती हूँ। और इसकी भी पावर मुझे क्या गिवन है, 3 गिवन है, × 2⁴ गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने अभी प्रॉपर्टी की है कि अगर a की पावर m, अगर उसकी भी पावर n हो जाए तो हम क्या करते हैं, a की पावर m n कर देते हैं, यानी कि पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 की पावर क्या बन जाएगी, इसका मतलब 3 × 3 बन जाएगी, और 2 × 4 तो हमारे पास है ही है, यानी कि 2 की पावर क्या बन गई, 9 बन गई, 2 × 4। अब अगर a की पावर m होती है और a की पावर n होती है तो a की पावर क्या बन जाती है, m+n बन जाती है। ये मैं प्रॉपर्टी बार बार आपको लिख के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट तक, वीडियो देखते देखते आपको ये प्रॉपर्टीज़ दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न हो जाएंगी। सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको साथ साथ लिख के इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 9+4, दैट विल बी 2⁴। तो हमारा आंसर ढूंढे, 2⁴ हमारे आंसर में है, यस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 2⁴ ऑप्शन बी, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है, आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, 16³⁴ = ये सारी ऑप्शन अभी गिवन है, इनको हम बाद में देखेंगे। 16³⁴, अब 16 को चेक करते हैं, 16 इसके फैक्टर बनाते हैं, 2 पे जा रहा है 8, 2 पे जा रहा है 4, फिर 2 पे जा रहा है 2, फिर 2 पे जा रहा है 1, यानी कि 2 कितने बार आ गया, 1 2 3 4, 4 × 2, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁴, और इसकी भी पावर क्या, 3/4। अब अगेन वही चीज़ होगी, a की पावर m और उसकी भी पावर n, तो हम क्या करते हैं, a⁴ m n, इन पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, 4 × 3/4, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2³, तो 2³ का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो देखते हैं क्या हमारे पास है, ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 8 इज़ द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो रही है इतनी चीज़, अगर नहीं क्लियर हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है, 256⁰⁶, ओ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है, देखने में ही ऐसा लग रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जब चीना मैम साथ हैं तो घबराना किस बात का, है ना भाई। 0.16, 0.09, अब देखिए बेस सेम है, फिर हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूले को साथ साथ लिखते रहते हैं, याद रहता है, a⁴ m a⁴ n, तो पावर्स क्या हो जानी है, पावर ऐड हो जानी है, a⁴ m+1 हो जाना है, 256 दिख रहा है, तो सबसे पहले पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 0.16 + 0.09, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 256 और आपके पास 0.25, ठीक है, 16 और 9 = 25, तो 0.25। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख लूँ, ये पॉइंट्स वाला ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ ही लग रहा है, तो पॉइंट्स मुझे मुश्किल कर रहे हैं, तो मैं पॉइंट्स को नीचे ले जाती हूँ, इसका मैं 100 बना लेती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको कटिंग कर दूँगी तो मेरे पास बन जाएगा 256 की पावर क्या,
1/4, अब मुझे ठीक लग रहा है 25 और 400, ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। अब मैं क्या करूँ, 256 के फैक्टर्स बना के देखती हूँ, ठीक है। चलिए 256 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2128, 264, 232, 216, 28, 24, 22, 21। चलिए काउंट करते हैं कितनी बार हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 8 times 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to power 8, और इसकी होल पावर क्या है, 1/4, यानी कि 2 raised to power 8 तो मैंने 256 को लिख दिया और इसकी पावर जो है वो मेरे पास क्या है, 1/4। अब फिर वही बात, a raised to power m की पावर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a raised to power mn, तो ठीक है हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 raised to power 8 into 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 raised to power 2 to 4, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 4। तो चलिए चेक करते हैं, येस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 4। क्लियर हो गई इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओ ओ ये क्या हो गया, इतने सारे स्क्वायर रूट्स आ गए, ये 4 रूट आ गया, 3 रूट आ गया, मैम ये क्या हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखते जाइए। देखिए ये जो रूट होता है ना, ये होता है एक्चुअल में, जैसे कि रूट ए गिवन हो गया, तो ए की पावर होती है 1/2, ठीक है। अगर क्यूब रूट आ गया ना, 3 लिख दिया यहाँ पे ए में, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3। अगर यहाँ पे इन्होंने 4 लिख दिया, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/4, हो गया सिंपल। अगर यहाँ पे 5 लिख दिया, तो सिंपल ए की पावर 1/5, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये रूट में यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है कि 2 होता है, बाकी जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन, क्या गिवन है, 4, फिर से रूट लगा दिया 3, फिर 2 का स्क्वायर लिख दिया, आराम आराम से सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर एज इट इज ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो 2 का स्क्वायर था ना, इसको एक रूट लगा दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, यानी कि इसको मैं क्या करूँ, ब्रैकेट में ले जाऊँ और इसको 1/3 लिख दूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको 1/3 लिख देना है। अब क्या करूँ, उसका भी जो रूट है ना, ये भी जो सारा नंबर है, इसको भी रूट में लिख दिया है और 4 लिख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 1/4 बन जाना है। क्लियर हुई इतनी चीज़। यहाँ से मैंने सेंटर से नंबर उठाया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसके ऊपर एक रूट लगा हुआ था, यानी कि उसका उसकी वैल्यू 1/3, उसके ऊपर फिर से लगा हुआ था, तो फिर उसकी भी वैल्यू 1/4, ठीक है। अब क्या है, आपने किया था a raised to power m की पावर n, अब उसकी भी पावर l, तो a raised to power m n l, ठीक है। बार बार हम ये नहीं करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। देखिए अगर a raised to power m हुआ, उसकी पावर n हुई, उसकी पावर l हुई, उसकी पावर k हुई, उसकी पावर p हुई, कुछ भी हुई, तो ये पावर्स ने सारी ने मल्टीप्लाई होना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये सारी पावर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरा टाइम वेस्ट करेंगे कि पहले इसको करके देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ तक जाएंगे। आप सिंपली क्या देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 raised to power 2 into 1/3 into 1/4, तो आपके पास 2 की पावर कितनी आ गई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1/6। तो ढूंढिए क्या 2 की पावर 1/6 आपके पास आंसर है, येस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई इतनी चीज़ आपको समझाने में टाइम लगा है, इसको देखते ही आपको पता चल जाना है 2 की पावर 2 कर देनी है आपने, और आपने इतना करना भी नहीं है, बस आप क्या करोगे 2 की पावर 2, सिंपली इसको देख के क्या करोगे 2 की पावर 2 into 1/3 into 1/4, हो गया जी, मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो, ठीक है। इनको देखते ही आपको पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई वाले हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक चीज़ और बता दूँ कि MCQ जो है ना, उसका एक मेन सा फंडा है प्रैक्टिस। MCQ आपके तभी सॉल्व होने हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि इतने लेस टाइम में आप कुछ भी नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आप देखते ही आंसर बता पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाओ अब मैं क्या करूँ, 81 - 2 और 4। चलिए फिर वही सेंटर से शुरू हो जाती हूँ, 81 की पावर -2, अब उसके ऊपर दे दिया 4, तो उसका मतलब क्या है, 1/4, क्लियर ही है ना, उसका मतलब क्या है, 1/4। तो अब पावर है तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 और -2 into 1/4, ठीक है। तो 81
माइनस वन बाई टू, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो गया, ये टू और ये फोर, यहाँ पे टू आ गया, तो ये आपका आ गया माइनस वन बाई टू। अब 81 को आप 9 इंटू 9 नहीं लिख सकते, 9 इंटू 9 81 ही तो होता है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो 9 की पावर 2। अब उसकी भी पावर क्या, माइनस वन बाई टू, फिर वही चीज़ आ गई, क्या चीज़ आ गई, ए रेज टू पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू एन, ठीक है, 2 इंटू माइनस वन बाई टू, तो क्या बन गया, 9 की पावर 2 इंटू माइनस वन बाई टू, टू और टू कैंसल, 9 की पावर माइनस वन, दैट इज 1/9 आंसर, 1/9 देखते हैं, येस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हमारे पास ऑप्शन ए में 1/9 है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर, कोई डाउट आएगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो 7589224436 पे आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके 3, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूँ, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट को हम लिखते हैं जैसे कि इस तरह से, ए का मान लो क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/3, यही होता है ना, अभी मैंने आपको बताया। देन स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, सिंपली ये, सिंपली ये का मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2, जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ 125 लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125, आगे क्या बोला है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ वट, इसमें से आंसर बताओ, चलिए ये देख लेते हैं हम। अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 के हम बनाते हैं फैक्टर 5, 5, 2, 5, 5, 5, देन अगेन 5 पे जा रहा है 1, तो ये आपका आ जाएगा 5 into 5 into 5, तो दैट मीन्स कि 5 की पावर कितनी, 3। अब क्यूब रूट को भी खोल दूँ, पावर 1/3, और डिवाइड में ये 25 है, 25 5 into 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर और उसकी भी पावर 1/2। अब मैं करूँ इसको, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, तो यानी कि ये पावर्स मल्टीप्लाई होनी है, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 इंटू 1/2 5/5, दैट इज़ 1, तो 1 है हमारे ऑप्शन में, येस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हुए हैं हमारे, 5/5 आए और 1 आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, येस ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे देखने में, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। -3/8 की पावर गिवन है आपको, -3 इंटू 4/9 की पावर क्या गिवन है, -2। देखो ध्यान से, जब पावर माइनस में है ना, तो सिंपली क्या करो, ये माइनस वालों को ना पहले प्लस में ले आओ, ये थोड़ी सी घबराहट पैदा करते हैं ना, तो मैं क्या बताती हूँ आपको, a/b की पावर जब -3 गिवन होती है ना, तो ये क्या होता है, b/, इसको उल्टा कर दो और इसको 3 लगा दो, बस कुछ नहीं करना, इनको उल्टा करके लिख दो और ऊपर पॉजिटिव पावर बन जाएगी, यही होता है ना, रेसिप्रोकल में आपने पढ़ाई हुआ है। तो आप क्या करोगे, -8/3 लिख दोगे और यहाँ पे 3 की जगह पे क्या बन जाएगा, -3 की जगह पे 3 बन जाएगा। ऐसे ही -2 को 2 बनाने के लिए 9/4 लिख लो भाई, इसको 2 बना दो, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो भाई, रेसिप्रोकल आपने ऑलरेडी पढ़ाई हुआ है। -8 मतलब क्या करना होता है, जस्ट सिंपली इसको उल्टा कर दो और ये माइनस की पावर जो है वो पॉजिटिव पावर बन जाती है, तो हमने ये इसको पॉजिटिव पावर में लिख लिया। अब ये क्यूब गिवन है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -8 into -8 क्यूब है, तो यानी कि 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 into 3 into 3 into, ऊपर क्या है 9 into 9, नीचे क्या है 4 into 4, कर लो काटापीटी, 4, 2, 4, 2, 3, 3 कैंसल आउट 3, आंसर देखें क्या आ रहा है, 3, 3 into 4, 12, 12 into 8, 96,
96 ये आ गया, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, और ये एक और नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ पे साइन माइनस का, तो -96 क्या है हमारी ऑप्शन में? यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, -96। कहीं पे कोई डाउट, इसको मैंने पॉजिटिव कैसे बनाया ये सब पता चल गया। उसके बाद मैंने सिंपली इसको पॉजिटिव बनाया, और इसको 3 पावर थी तो 3 टाइम्स इसको मैंने लिख लिया, और काटापिटी करके ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लोगे, और अगर मुझसे ऑनलाइन क्लासेस आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप कौन से नंबर पे कॉन्टैक्ट करोगे वो आपके पास नीचे आ रहा है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।